नमस्कार। आईपीएल में आज मुकाबला है आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमें अपनी 6-6 मैचेस खेल चुके हैं। आरसीबी ने जहां अब तक 6 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की पोजीशन बना रखी है, तो वहीं केकेआर की टीम अब तक अपने 3 मैचेस को जीतकर नंबर 4 पर चल रही है। फॉर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर आरसीबी की फॉर्म फिलहाल केकेआर से ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। आरसीबी टीम में जो सबसे अच्छी बात हुई है पिछले मैच में, वो उनके कैप्टन है विराट कोहली की फॉर्म में वापसी की। विराट कोहली ने पिछले मैच में महज 52 गेंदों में 90 रन बनाए थे और उनकी ये फॉर्म आना टूर्नामेंट में सभी टीमों के लिए बुरी खबर हो सकती है। हालांकि आरसीबी टीम के लिए प्रॉब्लम एरिया ये है कि उनके जो एक स्टार बैट्समैन है एबी डिविलियर्स, वो अब तक अपनी फॉर्म को दिखा नहीं पाए हैं टूर्नामेंट में, और उनका फॉर्म में आना बेहद ज़रूरी है। वहीं एरन फिंच भी कुछ अभी तक बैट से कुछ कर नहीं पाए हैं। हाँ, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि अपना पिछला मैच खेल रहे और क्रिस मॉरिस ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी करी थी और 3 विकेट हासिल किए थे। हालांकि बैटिंग में उन्हें ज़्यादा कुछ करने को मौका मिला नहीं था। आरसीबी टीम के लिए जो एक टेंशन का विषय यह है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी हल्का दिखाई दे रहा है। टॉप में अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली पे काफ़ी डिपेंड हैं और एबीडी पे काफ़ी डिपेंड हैं, लेकिन अगर उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चलता है तब तो मुश्किल में आ सकती है आरसीबी की टीम। वहीं मैं केकेआर टीम की बात करूं तो केकेआर टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके कप्तान दिनेश कार्तिक के फॉर्म में आते दिख रहे हैं। दिनेश कार्तिक की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुए था कि अच्छे बैट्समैन भी नहीं दिखाई दे रहे थे यहाँ पर, टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म लग नहीं रही थी और उनकी कैप्टनसी भी लगातार सवालों के घेरे में थी, और कहा जा रहा था कि शायद ओएन मॉर्गन को टूर्नामेंट में वो बीच में रिप्लेस कर ले ओएन मॉर्गन दिनेश कार्तिक को। लेकिन अब मुझे लग रहा है पिछले 2 मैचेस को जीतने के बाद दिनेश कार्तिक एक अच्छे कप्तान यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं केकेआर टीम के लिए जो प्रॉब्लम एरिया ये है कि आंद्रे रसल मुझे लग नहीं रहा टूर्नामेंट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बार वो दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह वो एक ओवरवेट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, उनकी फॉर्म मुझे लग नहीं रही है, उनकी फिटनेस पे भी अब सवाल खड़े हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस मैच में शायद वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। और इसका बड़ा रीज़न सिर्फ उनकी फिटनेस कंसर्न नहीं है बल्कि उनका फॉर्म भी कंसर्न है। टूर्नामेंट में अब तक अगर इन दोनों टीमों को छोड़ के सभी टीमें अपने 7-7 मैचेस को खेल चुके हैं। अब यही 2 टीमें बची हैं जो आज अपना 7वां मैच खेलने जा रही हैं, और आज 7वां मैच खेलने के बाद टूर्नामेंट का आधा पड़ाव लगभग पूरा हो जाएगा। अब यहां से टेंशन शुरू होगी सभी टीमों के लिए। अब लगभग सभी टीमों को बहुत अच्छा परफॉर्म यहां पर करना पड़ेगा। प्रेशर कुकर सिचुएशन आ चुकी है। जो टीम अब यहां से अपना फॉर्म को खो देती है, और ख़ासकर मैं बात करूं कि जो बिल्कुल नीचे लगी हुई टीम्स हैं, अगर वो अपना फॉर्म नहीं पा पाती हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल इसी मैच की हम रहते हुए मुझे बात करूं तो अगर दोनों ही इवनली मैच टीम्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पेपर पे शायद आरसीबी की टीम केकेआर पे भारी पड़ जाए। लेकिन T20 का मैच है, कहना बहुत मुश्किल होता क्या हो जाए, और शारजा का ग्राउंड है और शारजा में हमने देखा जिस तरह बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं, 200-220 के स्कोर भी चेज़ हो जा रहे हैं, तो ये कह पाना कि कौन जीतेगा ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं अगर अपना पैसा लगाऊं किस टीम पे, तो मेरी टीम आज होगी आरसीबी।